नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में वंडरमैन परमाणु की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है टाइफोन। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। ओके, इस कहानी की शुरुआत होती है स्टार लैब से। विज्ञान की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम, इसी स्टार लैब के मुख्य दरवाजे पर आपको लैब के अंदर जाने का कारण और अपना परिचय बताना ही होगा, वरना हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। मैं बहस करके समय खराब नहीं करना चाहता, इसलिए बताता हूँ। इस लैब में मौजूद एक कमीने को तबाह करने आया हूँ मैं, और मेरा नाम है टाइफून। प्रोफेसर विक्रम आहूजा दरवाजे पर पड़ी ठक ठक से चौंक उठा। कौन है? दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए उसने अपने कदम। जरा सब्र करो, खोलता हूं। दरवाजा खुला, और दरवाजा खुलने के साथ ही जैसे कक्ष में तूफान प्रवेश करता चला गया। सुई, उफ। आश्चर्य से भरी विक्रम आहूजा की आंखें अचानक दहशत से भरती चली गई। तुम मार्टिन, तुम, जैसे उसके स्वर में बादल सा गरजा। मार्टिन नहीं, टाइफोन बोल, तू मुझे कमीने, या बोल मुझे तू अपनी मौत। टाइफोन के हाथ से छुटी पानी की वे धारें विक्रम के शरीर से होकर ऐसे गुजर गई जैसे मक्खन से गर्म छुरी। तो इसी सजा का हकदार था कमीने, इसी लायक था तू। अब मुझे मिलना है रूबी से। और फिर टाइफून वहां से चलता बना। सड़क की छाती पर दंदनाती हुई आगे बढ़ती इस जीप का सवार, जिसे शहर का रखवाला, अपराधियों का काल और ना जाने ऐसे कितने ही नामों से पुकारा जाता है, ठीक पहचाना आपने, इंस्पेक्टर विनय ही है वो। मकड़ी के जाले से भी अधिक उलझा हुआ है ये विक्रम मर्डर केस। अद्भुत हथियार, अद्भुत व्यक्ति और ना जाने क्या क्या। शायद इस केस के उलझे कुछ तारों को मैं सुलझा सकूं विक्रम के घर पहुंचकर। शहर के एक आलीशान इलाके डिफेंस कॉलोनी में स्थित ये शानदार बंगला, उसी बंगले में मौजूद वो ओवरकोट धारी लगभग गिड़गिड़ा रहा था अपने सामने खड़ी रूबी नामक स्त्री के सामने। मैं बदसूरत था रूबी, इसलिए तुम मुझसे दूर हो गई, लेकिन मुझे मेरे बच्चों से दूर मत करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे पिंकी और विनू से मिलवा दो। विजेता से मुस्कान उभर आई रूबी के अधरों पर। मेरी तरह पिंकी और विनू भी तुम जैसे बदसूरत के साथ रहना नहीं चाहते मार्टिन, और ये विचार सिर्फ मेरे ही नहीं, उन दोनों के भी है। उन्हीं के मुंह से सुना देती हूँ मैं तुम्हें उनके विचार। प्ले का स्विच दबने के साथ ही, हमारा पीछा छोड़ दीजिए डैडी, हम आपके पास रहना नहीं चाहते, क्योंकि हमें आपकी शक्ल से बहुत डर लगता है। वी हेट यू डैडी, हेट यू। तड़प उठा वो। तो मुझे एक बार पिंकी से मिलवा दो, मैं उन्हें विश्वास दिला दूंगा कि उनका डैडी चेहरे से बुरा है मगर दिल का अच्छा है। कहाँ है वे? तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर रखा है मैंने उन्हें, तुम लाख चाहकर भी उनसे नहीं मिल सकते। अब तुम यहां से जाओ मार्टिन, और फिर मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने अब सदा के लिए विक्रम के साथ रहने का विचार बना लिया है। उसके मुंह से जहर बुझा स्वर निकला। विक्रम के साथ अब तुम नहीं रह पाओगे रूबी, क्योंकि मौत की गोद में पहुंचा दिया है मैंने उसे। तुमने विक्रम को मार डाला? कैसे, कैसे? उसने बताया तो साय साय करने लगा रूबी का मस्तिष्क। भयक्रांत से चीखी वो, नहीं, तुम वो नहीं हो सकते, नहीं। मैं वही हूं रूबी, और मैं वो कैसे बना ये मैं तुम्हें बताता हूं। जब तुम मुझे छोड़कर पिंकी और वीनू के साथ विक्रम के बंगले पर जा पहुंची, तो वो उस शानदार खबर को सुनाने खुद मेरे पास स्टार लैब में पहुंचा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम विक्रम? ये बकवास नहीं, हकीकत है प्यारे। तुम्हारी सुंदर बीबी ने तुम जैसे बदसूरत और कंगले को छोड़कर अपने बच्चों के साथ मेरे साथ रहने का इरादा कर लिया है। अब वो तुम्हारी नहीं, मेरी बीबी है। धड़ाक, अ
नहीं, मैं जुनूनी हो गया था भट्ट, मैं तुझे मार डालूंगा कमीने। जाने क्या अंजाम होता मेरे जुनून का अगर स्टार लैब के डायरेक्टर प्रोफेसर कोहली वहां ना पहुंच गए होते। ये क्या पागलपन है मार्टिन, रुक जाओ। हम दोनों को बुरी तरह डांटा प्रोफेसर कोहली ने। ऊंच कोटि के प्रोफेसर हो तुम दोनों, शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत करते हुए। अपने गुस्से को थूक कर तैयार हो जाओ दोनों, तुम मेरे साथ न्यूक्लियर बम टेस्ट के लिए चल रहे हो। इस टेस्ट से वापस लौटकर मैं रूबी से मिलूंगा और उससे इस बेवफाई का कारण पूछूंगा। ओके सर। लेकिन मेरा सोच पूरा ना हो सका क्योंकि हिंद महासागर के बीचों बीच तैरते सिप पर सवार न्यूक्लियर बम को पानी की गहराइयों में छोड़ने की तैयारी कर रहा था। विक्रम, तुम यहां क्या कर रहे हो? जवाब यूं दिया विक्रम ने मुझे, धड़ाक। वो प्रहार बहुत जबरदस्त था। तुमने मुझ पर हाथ उठाया था मार्टिन, अब तुझे उसके बहुत भयानक सजा मिलेगी। इस न्यूक्लियर बम के साथ उड़ेंगे अब तेरे चिथड़े। उसने मुझे उस न्यूक्लियर बम के साथ बांध दिया जिसे समुद्र की गहराइयों में ब्लास्ट किया जाना था। और फिर घोड़ो, कुछ देर बाद वो ब्लास्ट हुआ जिसने समुद्र में हलचल मचा दी। बड़ा होना तो ये था कि मेरे चिथड़े उड़ जाने चाहिए थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और जो हुआ वो बेहद अद्भुत था। परमाणु विकिरणों के प्रभाव से मुझ में अच्छा खासा इंसान बन चुका था। टाइफून बनने के साथ ही मैंने सबसे पहले उस हरामजादे विक्रम को उसके अंजाम तक पहुंचाया। और अब तुम्हारा भी वही हाल करूंगा मैं, अगर तुमने मुझे मेरे बच्चों से ना मिलवाया तो। भयभीत हो उठी रूबी। नहीं, मैं तुम्हें उनसे नहीं मिलवाऊंगी। चले जाओ तुम यहां से, मुझे अपने बच्चों से मिलना है रूबी, हर हाल में मिलना है। जवाब दे मेरे सवालों का रूबी, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा तेरा। तभी तड़ाक, अगर तेरे सवालों का जवाब मैं अपने लात घुसे से दूं हत्यारे तो कैसा रहेगा? सामने खड़ा था इंस्पेक्टर विनय। यह हमारा आपस का मामला है इंस्पेक्टर, तुम बीच में मत पड़ो। हत्या करने के मामले आपस में हो या परायों में, कानून को उनके बीच में पड़ने का पूरा अधिकार है। दूसरे ही पल इंस्पेक्टर की आंखों ने देखा था वो अजूबा, टाइफून में बदलता चला गया था प्रोफेसर मार्टिन। अब टाइफून बनने के लिए मुझे तूने मजबूर कर दिया है इंस्पेक्टर, अब खैर नहीं तेरी। उफ, कड़क। उफ, पानी की धारे भी ऐसा करिश्मा कर सकती है, ये पहली बार देख रहा हूं। और रूबी ने इस बात का भरपूर फायदा उठाया। मैं भागती हूं यहां से। भागती हुई रूबी को देखकर चीखा टाइफून, रुक जाओ रूबी। नहीं, अब नहीं रुकूंगी मैं। छपाक, दहशत की मारी रूबी टाइफून से अपनी जान बचाने की कूदी। वो क्या जानती थी कि उसने वो छलांग सीधे मौत के मुंह में लगाई थी। खच, चीख चीख पड़ा रूबी की हालत को देखकर टाइफून। रूबी, इससे इंस्पेक्टर विनय के रूप में मैं नहीं निपट पाऊंगा, इसके लिए बनना होगा परमाणु, और परमाणु बनने के लिए इस कमरे से बाहर निकलना जरूरी है। हवा का झोंका बनकर कमरे से बाहर निकला इंस्पेक्टर विनय, परमाणु बनकर तूफान की तेजी से अंदर आया तो अरे कहाँ गया वो? टाइफून कहीं नहीं था वहां। वहां टाइफून होता भी कैसे, वो तो परमाणु के वहां पहुंचने से पहले ही निकल चुका था। असफल परमाणु बाहर निकला, अपने दोनों रूपों में मैं उस हत्यारों को पकड़ने में असफल रहा। अब प्रोफेसर का ही सहारा है, वही बता सकते हैं कि क्या चीज है वो टाइफून। प्रोफेसर से संबंध स्थापित कर परमाणु ने उनसे अपना सवाल किया। जवाब में एक गंभीर स्वर गूंजा। परमाणु बम के घातक अणुओं और पानी ने मिलकर एक साधारण इंसान को टाइफून बना दिया है।
तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा परमाणु, क्योंकि टाइफून के रूप में एक अनोखा खतरा इस शहर पर मंडराता साफ दिखाई दे रहा है मुझे। आप चिंता ना करें प्रोफेसर, हर खतरे को दफन करने के लिए कमर कसकर निकला है आपका परमाणु। बच नहीं पाएगा टाइफून परमाणु के हाथों से। टाइफून, नफरत की आंधियां चल रही थी जिसके चेहरे पर। खूबसूरत चेहरों और नजारों से भरी मतलबी दुनिया असल में बहुत घिनौनी है, क्योंकि इसी दुनिया ने छीन लिया प्रोफेसर मार्टिन से उसका सीधा साधा जीवन। इसी दुनिया ने छीन लिए मेरे बीवी बच्चे। तबाह तबाह ओ बर्बाद करके रख दूंगा मैं इस घिनौनी दुनिया को। जब टाइफून का तूफान चल पड़ा तो तबाही के भयानक अति भयानक मंजर प्रस्तुत करता चला गया। तबाह होगी ये दुनिया टाइफून के हाथों, अब तबाह होगी ये दुनिया। छपाक। सैकड़ों बेगुनाहों पर मौत बनकर टूटा था टाइफून का कहर। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट टू में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि उस पर मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको सब मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।